इस वीडियो में आप टेबल्स को क्रिएट एंड स्टाइल करना सीखेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। टेबल्स के थ्रू आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को रोज कहा जाता है, जबकि वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को कॉलम कहा जाता है। यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट रो है, इसमें मैंने टेबल हेडर ऐड किया हुआ है और बिलो पे टेबल डाटा है जो इसके कोरिस्पोंडिंग ऐड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रोज जो हैं वो बैंडेड है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि नेम 2 एंड नेम 4 रिकॉर्ड के जो रोज हैं वो बैंडेड रोज हैं। बैंडेड रोज को जेब्रा स्ट्राइप भी कहा जाता है और आप सीखेंगे किस तरह से आप बैंडेड रोज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन टेबल के बॉटम पे आपको कैप्शन नज़र आ रही होगी। टेबल कैप्शन जो है ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल होती है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये टाइटल होता है टेबल का। देन बिलो पे सेकेंड टेबल है और इन बोथ टेबल्स में जो डिफरेंस है मेजर वो ये है कि यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने टेबल हेडर ऐड किया हुआ है, जबकि सेकेंड टेबल में टेबल हेडर जो है कि फर्स्ट रो में भी एडिट है और फर्स्ट कॉलम में भी टेबल हेडर ऐड किया गया है। तो अब हम टेबल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ HTML एंड द सेकेंड वन इज़ CSS। और CSS फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है HTML में, और HTML फाइल में मैंने सिर्फ H1 हेडिंग ऐड की हुई है और इस H1 हेडिंग को मैंने स्टाइल किया हुआ है CSS में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एंड देन हम टेबल को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने हेडिंग ऐड की हुई है और इसके ऊपर मैंने स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और बॉडी टैग के इन बिटवीन आपने ऐड करना है टेबल टैग। यहाँ पे मैं टेबल टैग को ऐड कर रही हूँ एंड देन टेबल टैग के इन बिटवीन अब आपने रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं टेबल रो ऐड कर लेती हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी TR टैग। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। एंड देन टेबल रो के इन बिटवीन आपने अब डाटा ऐड करना है। यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने टेबल हेडर्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी TH टैग। TH टैग यूज़ होता है टेबल हेडर के लिए। यहाँ पे मैंने 4 टेबल हेडर्स ऐड करने हैं, तो इसलिए यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन इसको मैं 3 टाइम्स पेस्ट कर लेती हूँ। देन फर्स्ट टेबल हेडर में हम डाटा ऐड कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि टेबल हेडर के इन बिटवीन अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मेरा फर्स्ट जो टेबल हेडर है वो है एम्प्लॉय नेम, सेकेंड वन इज डेजिग्नेशन, थर्ड वन इज परफॉर्मेंस एंड द लास्ट वन इज स्टेटस। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ एंड देन ब्राउज़र पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टेबल हेडर जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैंने टेबल हेडर्स के कोरिस्पोंडिंग बिलो टेबल में डाटा ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट पे आ रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक न्यू रो ऐड करनी है, तो मैं TR टैग यूज़ करूँगी। फर्स्ट रो में हमने टेबल हेडर ऐड किया था, अब हमने डाटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। एंड देन यहाँ पे हमने टेबल हेडर्स जो यूज़ किए थे वो 4 किए थे और उसके कोरिस्पोंडिंग ही चूँकि मैंने डाटा भी ऐड करना है, तो यहाँ पे टेबल डाटा भी 4 टाइम्स ही मैंने ऐड करना है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड देन इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आपने डाटा ऐड करना है। एम्प्लॉय नेम जो था वो टेबल हेडर था, अब आपने फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेती हूँ नेम 1 एंड देन डेजिग्नेशन के कोरिस्पोंडिंग मैं डाटा ऐड कर लेती हूँ प्रोग्रामर, और फर्स्ट एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है इसको मैं यहाँ पे गुड ऐड कर लेती हूँ एंड देन स्टेटस में मैं कर लेती हूँ कि ये परमानेंट एम्प्लॉयड है। देन इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ एंड देन अगेन मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल डाटा भी ऐड हो चुका है। अब बोथ टेबल हेडर और टेबल डाटा में जो डिफरेंस है वो ये है कि टेबल हेडर जो होता है इसमें फॉन्ट बोल्ड होता है और जो टेक्स्ट होता है ये सेंटर अलाइंड होता है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा जो है वो ऐड कर लिया है, यहाँ पे मैंने 4 एम्प्लॉयज़ का डाटा ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। सिंपली इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सेकेंड रो को और इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ 3 टाइम्स। यहाँ पे मैं डाटा को चेंज कर लेती हूँ। एम्प्लॉय 1 था इसको मैं एम्प्लॉय 2 कर देती हूँ। जो डेजिग्नेशन थी उसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको यहाँ से मैं चूज़ कर लेती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से टेस्टर। एंड देन स्टेटस में मैं कर लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं नेम 3 कर लेती हूँ। डेजिग्नेशन को मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ डिज़ाइनर। एंड देन यहाँ से मैं इस नेम को चेंज कर लेती हूँ, नेम 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो स्टेटस है इसको मैं चेंज कर देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट।
इसको मैं अगेन यहाँ से सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो ऐड हो चुका है। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप टेबल की कैप्शन ऐड कर सकते हैं। तो टेबल की कैप्शन आप कैसे ऐड करेंगे, अगेन आपने HTML फाइल को ओपन करना है और जहाँ पे आपने टेबल टैग ऐड किया हुआ है, टेबल टैग का ओपनिंग टैग है, आपने इसके बिलो पे कैप्शन टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कैप्शन, और कैप्शन टैग जो है ये पेयर टैग है और इसके इन बिटवीन आपने कैप्शन ऐड करनी होती है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ टेबल एंड देन एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ एंड ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल कैप्शन भी आ चुकी है। फर्स्ट टेबल से रिलेटेड जो हमारी HTML की कोडिंग थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेबल को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इस टेबल में। तो ये कैसे होगा, अब हम इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे CSS। तो CSS आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपने यहाँ से स्टाइल शीट को ओपन कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं टेबल की विड्थ को चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखना है टेबल एंड देन मैंने कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ विड्थ एंड विड्थ को मैं कर लेती हूँ 70%। विड्थ को आप पिक्सल्स में भी ऐड कर सकते हो और परसेंटेज वाइज भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 70% कर दिया है और यहाँ पे टेबल पे मैंने बॉर्डर भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो मुझे बॉर्डर चाहिए वो टेबल पे भी चाहिए, टेबल पे अगर मैं करूँगी तो टेबल के आउटलाइन पे बॉर्डर आएगा। तो यहाँ पे मुझे टेबल पे भी चाहिए, टेबल हेडर पे भी मैंने ऐड करना है और टेबल डाटा पे भी मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है। देन मैंने कर्ली ब्रेसेस ऐड कर ली हूँ और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बॉर्डर 2 pixels सॉलिड और इसको मैं कर लेती हूँ डिम ग्रे। यहाँ पे बेसिकली मैंने ऐड क्या किया है, 2 pixels मीन्स जो बॉर्डर का वेट है वो 2 pixels है, बॉर्डर की जो टाइप है वो सॉलिड है और बॉर्डर का जो कलर होगा वो डिम ग्रे होगा। आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगेन यहाँ से इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र पे जाके इसको मैं रिफ़्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर जो है वो ऐड हो चुका है। टेबल के आउटलाइन पे बॉर्डर इसलिए आया क्योंकि मैंने टेबल पे ऐड किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल हेडर और टेबल डाटा इन दोनों के आउटलाइन पे भी बॉर्डर आ चुका है। आप अगर इसको मर्ज करके सिंगल बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आपने टेबल ऐड किया हुआ है, टेबल पे आपने CSS अप्लाई की हुई है। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ CSS की प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉर्डर कोलैप्स, आपने इसको यूज़ करना है एंड देन आपने करना है यूज़ कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स में आप अगर कोलैप्स कर देंगे तो मल्टीपल बॉर्डर्स को वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल बॉर्डर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो कोलैप्स होके सिंगल बॉर्डर में आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इस टेबल को अलाइन करना है सेंटर में, तो मैं कैसे करूँगी, अगेन मैंने यहाँ पे आना है स्टाइल शीट में और यहाँ पे मैंने करना है मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड देन मार्जिन राइट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट बोथ को मैंने ऑटो कर देना है एंड देन अगेन मैंने यहाँ से सेव करके ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल जो है वो अलाइन हो चुका है टूवर्ड्स सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडर जो है ये सेंटर अलाइंड होता है और बोल्ड होता है, बट CSS के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने टेबल हेडर्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो अगेन मैं स्टाइल शीट को ओपन कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे मैं टेबल हेडर को ऐड कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेक्स्ट अलाइन करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेती हूँ टेक्स्ट अलाइन और इसको मैं कर लेती हूँ लेफ्ट साइड। मैंने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज में कर लेती हूँ 22 pixels एंड देन मैंने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है इसका। तो बैकग्राउंड कलर में ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जो नोट डाउन किया हुआ है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर देती हूँ। मैंने टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर और यहाँ पे इसको मैं कर लेती हूँ वाइट। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे आके इसको अगेन रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल हेडर को मैंने स्टाइल कर लिया। अब यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे कि जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है और जो टेबल हेडर ऐड किया हुआ है इसमें और बॉर्डर में स्पेसिंग नहीं है, तो अब यहाँ पे हम स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं टेबल हेडर में भी और टेबल डाटा में भी। तो वो हम कैसे करेंगे, अगेन आपने स्टाइल शीट ओपन करनी है और यहाँ पे आपने करना है TH एंड TD क्योंकि हमने टेबल हेडर और टेबल डाटा बोथ के ऊपर पैडिंग अप्लाई करनी है। तो पैडिंग यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, पैडिंग मैं करूँगी 10 pixels की। जितनी आप पैडिंग की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही वाइड स्पेसेस ऐड होती जाएंगी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है वो पैडिंग है, तो ये पैडिंग टॉप पे भी होगी, बॉटम पे भी होगी, लेफ्ट एंड राइट ऑल साइड्स पे पैडिंग होगी 10 pixels की। इसको मैं सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र पे आके इसको अगेन मैं रिफ़्रेश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बैंडेड रोज़ को क्रिएट कर लेते हैं, तो बैंडेड रोज़ को क्रिएट करने के लिए अगेन आपने स्टाइल शीट को ओपन करना है एंड देन यहाँ पे आपने लिखना है TR क्योंकि हमने टेबल रो को ऐड करना है
एंड देन हमने यहाँ पे सिलेक्टर यूज़ करना है nth चाइल्ड। अब यहाँ पे हम किन रोज़ को स्टाइल करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने इवन एंड ऑड रोज़ की बेस पे स्टाइल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेती हूँ इवन, कि जो टेबल में इवन रोज़ है उनको मैंने स्टाइल करना है। और उनको कैसे स्टाइल करना है, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं इस कलर की जो वैल्यू है वो नोट डाउन कर लेती हूँ। सेम जैसे मैंने इवन के लिए की है वैसे ही मैं ऑड के लिए भी कर लेती हूँ। अगेन मैंने करना है टी आर कॉलन एंड देन मैंने यूज़ करना है nth चाइल्ड, और इस बार मैं इसमें पैरामीटर ऐड कर लेती हूँ ऑड, क्योंकि ऑड रोज जो है अब उनका मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर रही हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर, और इस बार इसको मैं यहाँ पे अगेन वैल्यू दे देती हूँ ऑड रोज को भी। इसको सेव कर लेते हैं, अगेन ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंडेड रोज भी ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने इवन एंड ऑड रोज की बेस पे स्टाइल अप्लाई किया है, बट आप किसी भी पर्टिकुलर रो के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे, अगेन मैं स्टाइल शीट को ओपन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने थर्ड जो रो है सिर्फ उसको स्टाइल करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ऑड लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं थ्री लिख दूंगी। अब क्या होगा कि जो थर्ड रो है सिर्फ उसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर ऐड होगा। इसको मैं सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र पे आके इसको मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड रो है सिर्फ उसी के ऊपर बैकग्राउंड कलर ऐड हुआ है। फर्स्ट रो हमारी टेबल हेडर की थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड रो है। क्योंकि मैंने बैंडेड रोज को ऐड करना था तो इसलिए मैंने इवन एंड ऑड को करना है, इसलिए अगेन इसको मैं कंट्रोल जी से इसको प्रीवियस फॉर्म में लेके आ जाती हूँ, इवन एंड ऑड रोज। अगेन इसको आके इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो बैंडेड रोज हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब अगर आप इस टेबल को और इस टेबल को नोटिस करेंगे तो इस टेबल के टेबल हेडर में शेडिंग अप्लाई हुई भी है, जबकि इस टेबल के मैंने टेबल हेडर में से बैकग्राउंड कलर चेंज किए। और अब आप सीखेंगे किस तरह से आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो शेडिंग अप्लाई करने के लिए अगेन मैं स्टाइल शीट को ओपन कर रही हूँ। टेबल हेडर में चूँकि मैंने शेडिंग अप्लाई करनी है तो इसलिए अगेन मैं यहाँ पर आ रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बैकग्राउंड इमेज एंड देन मैं करूँगी लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पे आपने मिनिमम टू कलर्स ऐड करने होते हैं शेडिंग के लिए। यहाँ पे मैं डार्कर और लाइटर शेड्स ऑफ ग्रे यूज़ कर रही हूँ, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थ्री कलर्स यूज़ करूँगी। फर्स्ट मैं कर रही हूँ डिम ग्रे, देन सेकेंड वन इज़ ग्रे, और जो थर्ड है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो लिया हुआ था उसी को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर और शेडिंग के लिहाज से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है और इसको हमने स्टाइल भी कर लिया है। अब हम मूव करते हैं कैप्शन पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन होती है इसकी पोजीशन टेबल के टॉप पे होती है और ये सेंटर अलाइंड होता है, बट सी एस एस के थ्रू ऑफकोर्स इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम कैप्शन को स्टाइल कर लेते हैं। तो कैप्शन को स्टाइल करने के लिए अगेन आपने यहाँ पर लिखना है कैप्शन, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैप्शन की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ कैप्शन साइड प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और यहाँ पे मैं कैप्शन साइड को कर लेती हूँ बॉटम, क्योंकि टेबल के बॉटम में मुझे ये चाहिए। देन इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ 18 पिक्सल्स। अब मैंने इस टेक्स्ट को जो मैंने कैप्शन ऐड की हुई है इसको बोल्ड में भी करना है, तो सी एस एस में बोल्ड करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है फॉन्ट वेट, और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ बोल्ड। अब मैंने इस कैप्शन का कलर भी चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगी, अगेन मैं कलर कर रही हूँ और कलर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया हुआ है कैप्शन के लिए, इसको यहाँ से मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगी। इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल कैप्शन की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है और इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो चुके हैं। मैं अब चाह रही हूँ कि टेबल और कैप्शन के बिटवीन थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, बिल्कुल टेबल के साथ जुड़ी हुई है कैप्शन, तो वो मैं कैसे करूँगी, अगेन प्रॉपर्टी यूज़ होती है सी एस एस की मार्जिन टॉप, और यहाँ पे आप उसको वैल्यू ऐड करवा सकते हो। मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स की वाइट स्पेसिंग ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो मैंने मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स की है, इसको सेव कर लिया और ब्राउज़र पे आके अगेन इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो टेबल है वो स्टाइल हो चुका है और कैप्शन भी स्टाइल हो चुकी है। अब मूव करते हैं हम सेकेंड टेबल पर। यहाँ पे जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमारे पास टू टेबल्स थे, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही था कि यहाँ पे फर्स्ट टेबल में सिर्फ टेबल हेडर फर्स्ट रो में आ रहा था, जबकि सेकंड टेबल में टेबल हेडर जो है वो फर्स्ट रो में भी आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप टेबल हेडर को कॉलम में भी ऐड करवा सकते हैं। तो अब हम सेकंड टेबल को क्रिएट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हमने उसको स्टाइल करना है। तो इसके लिए अगेन यहाँ पे मैं HTML डॉक्यूमेंट में आऊँगी, और HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपने फर्स्ट टेबल क्रिएट किया हुआ है आपने इसके बॉटम पे आना है,
ये क्लोजिंग टेबल टैग है, इसके बिलो पे अब अगेन मैंने एक और टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ टेबल, एंड देन टेबल में मैंने फर्स्ट रो ऐड करनी है, तो हम करेंगे टी आर। अब इस फर्स्ट रो में मैंने टेबल हेडर्स ऐड करने, कितने ऐड करने हैं, 4 टेबल हेडर्स ऐड करने हैं। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ और 3 टाइम्स इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डाटा ऐड कर लेती हूँ, फर्स्ट है मेरे पास एम्प्लॉय, सेकेंड वन इज डेजिग्नेशन, थर्ड वन इज परफॉर्मेंस एंड द लास्ट वन इज स्टेटस। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेकंड टेबल की भी फर्स्ट जो टेबल हेडर है वो ऐड हो चुका है। अब हम कॉलम वाइज भी टेबल हेडर ऐड करते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पे एक देख लें कि जो सेकंड रो थी हमारी इस टेबल की, उसमें फर्स्ट एलिमेंट है टेबल हेडर और जो फर्दर 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं टेबल डाटा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हेडर ऐड करना है, देन हमने टेबल डाटा ऐड करना है 3 टाइम्स। तो अगेन यहाँ पे मैं HTML डॉक्यूमेंट में आ रही हूँ, यहाँ पे हमने रो ऐड करनी है एंड अब इस रो में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हेडर ऐड करना है, क्योंकि फर्स्ट सेल में हमारा टेबल हेडर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ टेबल हेडर और यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ एम्प्लॉय 1। यहाँ तक हमारा फर्स्ट कॉलम में चुके हमने टेबल हेडर ऐड करना है वो हो चुके, एंड देन हमने करना है टेबल डाटा। इसमें अब मैं डाटा ऐड नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इससे लॉन्ग हो जाएगी। इसको मैं एम्प्टी ही रहने देती हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने टेबल हेडर एंड टेबल डाटा बोथ ऐड कर लिए हैं न्यू रो में भी। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इजीली आप कॉलम वाइज भी टेबल हेडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी सेकंड रो भी ऐड हो चुकी है, अब मैं इन्हीं को कॉपी एंड पेस्ट करूँगी और मैंने 4 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ से सेकंड रो को भी कॉपी कर लेती हूँ और इसको पेस्ट कर लेती हूँ 3 टाइम्स। सिंपली यहाँ से मैं डाटा को चेंज कर रही हूँ, एम्प्लॉय 2 कर देती हूँ, इसको एम्प्लॉय 3 कर देते हैं एंड देन एम्प्लॉय 4। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉलम वाइज भी मैंने टेबल हेडर जो है वो ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों टेबल्स में आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने सेकंड टेबल जो था उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई किए हुए, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम ही स्टाइल अप्लाई हुआ है बहुत टेबल्स के ऊपर। अगर अब यहाँ पे मैं थर्ड टेबल को भी ऐड कर लेती हूँ तो उसके ऊपर भी यही स्टाइल्स अप्लाई होंगे। अगर आपने डिफरेंट टेबल्स को डिफरेंटली स्टाइल करना हो तो देन आप उनको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो अब आप सीखेंगे किस तरह से आप डिफरेंट टेबल्स को डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल 1 को मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, टेबल 2 को मैंने डिफरेंटली स्टाइल करना है, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगी और टेबल 2 जहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है इसके मैंने टेबल टैग में आने, टेबल टैग जो ओपनिंग टैग है इसमें आने एंड देन यहाँ पे मैंने करना है क्लास इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने। अब यहाँ पे मैंने क्लास का नेम ऐड करना है, कोई भी आप नेम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टेबल 2, इसको मैं सेव कर लेती हूँ एंड देन मैंने CSS फाइल में आने। तो यहाँ पे आपने लिखना है डॉट एंड देन जो भी क्लास का नेम आपने असाइन किया था टेबल 2 को यहाँ पे आपने वो लिखना है। मैंने लिखा था टेबल 2 एंड देन टेबल 2 के किस एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है, मैंने करना है टेबल हेडर को, यहाँ पे मैंने वो लिख लिया एंड देन कर्ली ब्रेसिस ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रही हूँ टेबल हेडर का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेती हूँ। इसको सेव कर लेते हैं एंड ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कोई भी चेंजिंग्स नहीं हुई। रीज़न ये है कि फर्स्ट टेबल में टेबल हेडर पे मैंने शेडिंग अप्लाई की हुई थी। तो यहाँ पे अब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, बैकग्राउंड इमेज और इसको यहाँ से मैं नन कर देती हूँ। अगर आपने इसके ऊपर भी शेडिंग अप्लाई करनी है तो आप बैकग्राउंड इमेज कॉलर लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करके आगे फर्दर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको नहीं इसके ऊपर अप्लाई करना था इसलिए मैंने यहाँ पे नन कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं अगेन ब्राउज़र पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे टेबल हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब मैंने बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, अगेन मैंने स्टाइल शीट को ओपन करना है एंड देन टेबल 2 कोमा अगेन क्लास नेम लिखूंगी और इस क्लास के किस एलिमेंट के ऊपर मैंने स्टाइल चेंज करना है, मैंने टेबल हेडर एंड देन अगेन मैं क्लास नेम लिखूंगी एंड देन टेबल डाटा, इन 3 एलिमेंट्स को मैंने स्टाइल करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बॉर्डर कॉलन और इसको मैं कर लेती हूँ 2 पिक्सल्स
सॉलिड। और अब यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे कलर मैंने नोट डाउन किया हुआ है, इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगी और इसको सेव करके ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो सेकंड टेबल है इसमें मैंने टॉप पे स्पेसिंग ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगी, अगेन यहाँ पे मैं कर लेती हूँ डॉट टेबल टू, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 25 पिक्सल्स। जितने आप मार्जिन की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ही वाइट स्पेसेस जो हैं वो ऐड होती जाएंगी। इसको मैं सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र में आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड टेबल के टॉप पे वाइट स्पेसिंग आ चुकी हैं। अब अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट टेबल हेडर है इसमें जो एम्प्लॉय है इसको मैंने स्टाइल करना है। जब आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना हो तो देन आप उसको आईडी प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय टेबल हेडर है इसको मैंने स्टाइल करना है, तो इसलिए इस टेबल हेडर के मैं ओपनिंग टैग में आऊँगी एंड देन आईडी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पर मैं इसको आईडी प्रोवाइड कर लेती हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं एंड अगेन स्टाइल शीट के ऊपर आते हैं। और अब हमने एम्प्लॉय जो हमारा टेबल हेडर है उसको हमने स्टाइल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे क्लास जो थी वो डॉट से स्टार्ट होती है, इसी तरह आईडी जो है हमेशा हैश साइन से स्टार्ट होती है। देन आपने आईडी नेम लिखना है और कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन करना है टूवर्ड्स सेंटर। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ यहाँ से ब्लैक, और इसके में अंडरलाइन भी मैंने करना है तो इसलिए मैं कर लूँगी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने इसको अंडरलाइन करना है और लाइन जो होनी चाहिए वो डबल होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ एंड ब्राउज़र में आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इजीली आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल टेबल्स को क्रिएट एंड स्टाइल करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप कॉलम्स एंड रोज़ को मर्ज कर सकते हैं या आप स्पैन कर सकते हैं।